एमडी अपॉर्ट देखकर आपके माइंड में भी लिपन आर्ट ही आया होगा, इजंट इट? बट मैं करने वाली हूँ समथिंग डिफरेंट। हे ऑल, वेलकम टू क्राफ्टी हैंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आज हम लेकर आए हैं एक अमेजिंग डीआईवाई नॉटिकल क्राफ्ट। तो चलो फटाफट से बेसिक मटेरियल्स देख लेते हैं। तो हमें चाहिए सबसे पहले एमडीएफ बोर्ड। तो एमडीएफ बोर्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप कार्डबोर्ड भी ले सकते हो एंड कार्डबोर्ड ट्यूब्स। तो मैंने यहाँ पे दो डिफरेंट साइजेस के कार्डबोर्ड ट्यूब्स लिए हैं। मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड ही यूज़ करने वाली थी, बट क्योंकि मॉनसून चल रहा है और यहाँ डेली ही बारिश हो रही है, तो मेरे पास जितने भी कार्डबोर्ड्स थे वो सारे सौगी हो चुके हैं और मैं उन्हें जितना भी डरा लूँ धमका लूँ ना, वो कटने को तैयार ही नहीं होते। तो चलो अब काम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने अब ले लिया है यहाँ पे स्पैकलिंग पेस्ट यानी कि वॉल पुट्टी। तो इस वॉल पुट्टी की हेल्प से मैं यहाँ पे सी का टेक्सचर देने वाली हूँ। तो पहले मैंने तो ये ब्रश यूज़ किया है। तो जब तक मैं यहाँ पे लिपा पोती में लगी हुई हूँ, आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका फेवरेट सीज़न कौन सा है। मुझे तो रेनी सीज़न बहुत पसंद है। बारिश हो रही हो और मैं विंडो के पास बैठकर चिल करूँ इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टाइम। और गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों को कैसे भूल सकते हैं। तो अब तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ। जी हाँ, मेरी सब्सक्राइबर तो बहुत ही स्मार्ट है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ लाइट हाउस। तो उसके लिए मुझे कार्डबोर्ड की जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी थी मैंने वहाँ पे कार्डबोर्ड लगा दिया है। और अब मैंने ले लिया है एयर ड्राई क्ले। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मोल्डेड क्ले। तो इस एयर ड्राई क्ले की हेल्प से मैं यहाँ पे बॉटम पार्ट को कवर कर दूंगी और फिर मैं दूंगी यहाँ पे ब्रिक्स के टेक्सचर्स। एक चीज़ मेंशन करना तो मैं भूल ही गई, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वाइट पीवीए ग्लू टू पेस्ट द क्ले, क्योंकि मुझे ग्लू को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आप कौन सा ग्लू यूज़ करते हो। तो मैं क्ले के लिए यूज़ करती हूँ वाइट पीवीए ग्लू, दैट इज़ फेविकॉल, एंड फॉर कार्डबोर्ड मैं यूज़ करती हूँ हॉट ग्लू। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से एक लाइक कर दो। और हाँ, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना और मेरे साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो तो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। लाइट हाउस की सबसे खास बात होती है इसके विंडोज़ एंड डोर्स। तो मैं क्ले की हेल्प से ये सारी डिटेलिंग ऐड करती चली जाऊँगी। क्ले की डिटेलिंग ऐड करने के लिए आप कोई सा भी टूल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास क्ले टूल नहीं है, जैसे कि मैंने किया है पेन की रिफिल या फिर तो टूथपिक्स। बस इसी तरह मैं बाकी के विंडोज़ को भी बनाती चली जाऊंगी, जिसके लिए मैंने पहले ग्लू लगाया और फिर मैं क्ले लगाती चली जा रही हूँ। एंड ये प्रोसेस तो सच में काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर आपको किसी को भी हैंडमेड गिफ्ट करना हो तो ये प्रोजेक्ट बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बातों ही बातों में हम आ गए हैं लाइट हाउस के टॉप पोर्शन पे। तो यहाँ मुझे जहाँ जहाँ क्ले वर्क करना है वहाँ मैं क्ले ऐड करती चली जाऊँगी। और फिर इसकी टॉप रूफ़ के लिए हम ले लेंगे कार्डबोर्ड, जो कि मैंने ट्रायंगुलर कट किया हुआ है, एंड इसकी टॉप पे एक छोटू सा क्ले बॉल। अब हम बनाएंगे एक छोटी सी प्यार की कश्ती यानी कि बोट। क्योंकि ये है नॉटिकल क्राफ्ट तो यहाँ पे एक बोट तो होना ही चाहिए। इस बोट को बनाने के लिए मैंने ज़्यादा तामझाम तो नहीं किया, बस क्ले के पीसेस वहाँ पे ऐड करती चली गई और अपने क्राफ्ट नाइफ से बोट को शेप दे दिया। है ना इजी विथ लॉट्स ऑफ फन। हमारी बोट तो रेडी हो गई। अब हमें बनाने हैं शेप व्हील। तो इसके यूनिफॉर्म सर्कल के लिए हमने ले ली है ये कार्डबोर्ड ट्यूब। आई होप कि आपको मेरा जुगाड़ अच्छा लगा होगा कि हम एक क्ले सर्कल को किस तरह यूनिफॉर्मली सर्कुलर बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसे भी कंप्लीट करते हैं। अब मैं इसमें छोटे छोटे से डिटेलिंग ऐड करती चली जाऊँगी। अगर आपको भी नॉटिकल क्राफ्ट्स अच्छे लगते हैं तो आपको मेरे चैनल पर शिप व्हील की एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी, जो कि मैंने कार्डबोर्ड से बनाया था। और मैंने लाइट हाउस की भी दो अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हो। अब हमें बनाना है रेत। तो इसके लिए आ रहे थे मुझे बहुत सारे आइडियाज़ कि मैं यहाँ पे सच वाले सैंड पेस्ट करूँ या फिर तो वॉल पुट्टी से ही इस तरह ब्रश की हेल्प से टेक्सचर दूँ। तो ये ब्रश वाला आइडिया मुझे ज़्यादा अच्छा लगा और कन्वीनियंट भी, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है। तो चलिए अब हम बनाएंगे कुछ क्रिएचर्स एंड सी शेल्स। तो उसके लिए ले लिया है मैंने मोल्डेड क्ले, एंड स्टारफिश बनाने के लिए मैं अपने हाथों का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर चाहो तो क्ले को इस तरह रोल आउट करके स्टार का शेप देके कट भी कर सकते हो। अब मैंने बना लिए हैं बहुत सारे क्ले बॉल्स और अपने स्टारफिश की मैं डिटेलिंग करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने यूज़ किया है वाइट ग्लू और मैं इस तरह से अपने क्ले बॉल्स को स्टारफिश पे ऐड करती चली जाऊँगी। इस स्टारफिश की माइन्यूट डिटेलिंग देते देते मेरी क्ले तो हो गई है हार्ड। तो बाकी के क्रिएचर्स मैं बनाऊंगी बाद में, पहले मैं एक एंकर बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने ले लिया है ये क्ले एंड रोल आउट करके मैं बनाने जा रही हूँ एक एंकर।
चलिए अब मैंने ले लिया है क्ले का दूसरा बैच और अब मैं बना रही हूँ कुछ सी शेल्स। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टूथपिक का, और मैं क्ले आर्टिस्ट तो हूँ नहीं बट फिर भी मैं अपनी छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छा सा कुछ बना पाऊँ। आई होप आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स ईजी लग रहे होंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एक बात तो मैं पूछना ही भूल गई, आप में से किस किस की हॉबी है सीशल इकट्ठा करना? मुझे इन्हें इकट्ठा करना बहुत पसंद है, आज भी मेरे पास बहुत सारे सीशल्स पड़े हैं। अब लेकिन क्योंकि मुझे करना था DIY तो मुझे तो खुद से अपने हाथों से बनाना था ना, और ये भी किसी एडवेंचर से कम नहीं, क्यों सही कहा ना? तो यहाँ तक तो था हाथों का कमाल, अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपना सिलिकॉन मोल्ड छोटे छोटे से सीशल्स बनाने के लिए। तो ये वाला सिलिकॉन मोल्ड काफ़ी पहले मैंने परचेज़ किया था, तो अगर इसकी लिंक मुझे मिल जाती है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर करूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। अब आ गया है हमारा फेवरेट पार्ट यानी कि पेंटिंग करना। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक्रेलिक पेंट्स, और ये है अल्ट्रामरीन ब्लू प्लस वाइट। अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए ऊपर के पोर्शन को फटाफट से कंप्लीट करूँगी, क्योंकि हमें करने हैं बहुत सारे काम और इतने सारे सीशेल्स हैं उनको भी तो पेंट करना है। तो चलिए हमारी सी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, अब हमें बनाना है रेत। तो इसके लिए लिया है मैंने गोल्डन येलो एंड वाइट पेंट, और उस पर मैंने ऐड किया है ब्लैक टिंट। तो इससे मैं रेत बनाने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ ग्रे कलर यूज़ करना चाहिए था तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। वैसे ये मुझे थोड़ा थोड़ा ग्रीन लग रहा था तो मैंने बाद में इसमें ब्लैक एंड वाइट और मिक्स किया है, तो ये बिल्कुल रेत जैसा इफेक्ट लग रहा था। कभी कभी हमें 4-5 शेड्स तो मिक्स करने ही पड़ते हैं हमारे डिज़ायर शेड्स को अचीव करने के लिए। क्या आप भी ऐसा करते हैं? मैं तो बहुत करती हूँ, मुझे बहुत करना पड़ता है क्योंकि मुझे जो कलर चाहिए होता है वो कलर होता नहीं है, तो फिर मिक्स 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 एंड मिक्स। जब कभी भी मेरी वीडियो लंबी हो जाती है तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरे व्यूवर्स मेरे वीडियोस को नहीं देखेंगे। मैं कितना भी कोशिश करूँ, कितनी भी काट छाट करूँ ना, फिर भी नहीं हो पाता यार, क्योंकि प्रोजेक्ट ही ऐसा होता है कि वीडियो की लेंथ हो ही जाती है लंबी। तो आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखो ना यार, क्योंकि इतनी मेहनत लगाई है तो वीडियो को एंड तक देखना तो बनता है ना। मैंने यहाँ पे सारे ब्राइट्स एंड पेस्टल कलर यूज़ किया है, तो कलर चॉइसेस आपके ऊपर है, आपको जैसा कलर पसंद हो आप उस हिसाब से इसे पेंट कर सकते हो। यूजुअली लाइट हाउसेस रेड एंड वाइट कलर्स के होते हैं, बट कहीं कहीं ब्लू एंड वाइट भी होते हैं। मैंने एक रिसेंटली लाइट हाउस बनाया है तो उस पर मैंने ब्लू एंड वाइट कलर यूज़ किया है, तो आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलिए अब हम पेंट करते हैं अपने सीशेल्स को। तो इसके लिए मैंने ले लिया है लाइट ब्राउन शेड, और इसी कलर से मैं सारे सीशेल्स को फिल करूँगी, और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ड्राई ब्रश, एंड ड्राई ब्रश की हेल्प से मैं दूँगी इसमें वाइट स्ट्रोक्स, बिल्कुल इस तरह। है ना इजी? तो हमें सारे ही सीशेल्स को इसी तरह से पेंट करना है, बस हम कहीं पर थोड़ा सा डार्क ब्राउन यूज़ करेंगे और कहीं पर लाइट ब्राउन, एंड उसके बाद हमें वाइट से इस तरह से स्ट्रोक्स देने हैं। दैट्स इट। अब मैं पेंट करूँगी स्टार फिश, तो इसके लिए ले लिया है मैंने वाइट कलर, क्योंकि मैं यहाँ पे और कोई कलर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतने सारे ग्रुप्स होते हैं कि इसमें और शेड्स की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसी के साथ हमारा पेंटिंग का कार्यक्रम समाप्त हुआ, अब हम करेंगे इन्हें पेस्ट। आई एम सो एक्साइटेड, मैं इन्हें असेंबल करने के लिए कब से बेचैन हो रही थी कि मैं कब इन्हें पेस्ट करूँगी। तो कैसा लग रहा है आपको हमारा ये DIY अभी तक का? तो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है और वो है ग्रीन ग्रासेस। तो इनके लिए ले लिया है मैंने क्ले, और क्ले से इस तरह से पतले पतले ग्रासेस बना के मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने यूज़ किया है सैप ग्रीन पेंट इनको पेंट करने के लिए। अब मैंने ले ली है ये जूट थ्रेड,
तो इसे मैं एंकर की होल से निकालूंगी और अपने नॉटिकल क्राफ्ट को रियलिटी लुक देने के लिए ही मैंने ये जूट थ्रेड का यूज़ किया है। तो इसे मैं इस तरह से अपने लाइट हाउस के ऊपर पेस्ट करके नीचे की तरफ चिपका देने वाली हूँ। तो कैसा लगा आपको ये 3D नॉटिकल क्राफ्ट, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए आए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो ताकि आप हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट एंड ट्यूटोरियल से कनेक्टेड रह सको। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप मुझसे अपने फीडबैक्स एंड थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का नॉटिकल प्रोजेक्ट, कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी क्रिएटिव शिप को सेल करते रहो। टेक केयर एंड बाय बाय।